इस प्रदेश की जनता अब पूरी तरह इनके झूठे को और धुकावे को अच्छे से समझ चुकी है और अब इनके धोखे में नहीं पड़ने वाली है। कट करके फिर से दिखावे से भी अभी मैंने सुना था 2-3 दिन पहले कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कई युवाओं को लैपटॉप टैबलेट फोन नहीं टैबलेट और फोन बांटे थे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये अभी से 2 साल पहले कहां थे? उनको तब ध्यान नहीं आई थी हमारे छात्रों की कि तब उनको फोन और टैबलेट बांटते कोविड काल के वक्त जब स्कूल वूल सब बंद हो गए थे, हमारे गरीब बच्चे मजबूर थे अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस लेने के और उनके पास फोन टैबलेट नहीं था। वो अपनी पढ़ाई में 2 साल पीछे बिछड़ गए सिर्फ और सिर्फ फोन और टैबलेट और इस टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। तो इनको तब ध्यान नहीं आया था कि तब मोबाइल फोन और टैबलेट बांटते। अब जब चुनाव पास आ गया है हमारे युवा साथियों का वोट खरीदने की मंशा से ये दिखावे के लिए अब मोबाइल फोन और टैबलेट बांट रहे हैं, इसी से इनकी कथनी और करनी की समझ आती है। साथियों, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे वादे दिखावे पेपर के जरिए एडवर्टाइजमेंट के जरिए और टीवी चैनल्स के जरिए अपनी तस्वीरें छापने के माध्यम से ही सिर्फ खर्च करते हैं। खर्च करते कितना? 300 करोड़ पर मंथ, हर महीना 300 करोड़ ये सरकार खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में। 300 करोड़ आप एक साल का मान लीजिए तो 3600 करोड़, और आप 5 साल का गिन ले तो 18 से 20 हजार करोड़ इस सरकार ने सिर्फ खर्च करा है अपनी तस्वीरें छापने में। यही पे नाम पूरे विश्व में बदनाम करा है। किसकी वजह से? इस सरकार की वजह से। साथियों, अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ झूठ प्रचार अपना फर्जी बातें और वादे फैलाते हैं। मैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल चाहे बड़े से बड़ा शहर हो छोटे से छोटा गांव हो लगभग हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है अपने झूठे वादे और प्रचार फैलाने में। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग सोशल मीडिया का खुल के इस्तेमाल करें, किसमें? इनका खुल के विरोध करने में। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब हमसे जुड़िए। आप लोग की तकलीफें और दिक्कतें जो आप लोग इस सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, या किसी मजबूरी के कारण आप लोग दूर दूर से नहीं आ पा रहे, तो मैं चाहूंगा आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े, अपनी तकलीफें अपनी दिक्कतें हम तक रखें। और मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक दिक्कत आदरणीय बहन जी तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। और मुझे ये जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी ने खुद दी है कि उन तक मैं आप सबकी दिक्कतें पहुंचाऊं, तकलीफें पहुंचाऊं, ताकि जब 5वीं बार आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आए तो सबसे पहले आप सब खासतौर से युवाओं की दिक्कतों का समाधान करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन आप सब लोग काफी देर से यहाँ मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने और समझने आए, लेकिन मैं एक वादा करता हूं कि मैं यहाँ आज पहली बार आप सबके बीच आया हूँ, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। मैं दूसरी बार आऊंगा, तीसरी बार आऊंगा, 5वीं 10वीं बार जितनी बार आना पड़ेगा मैं आप सबके बीच आऊंगा, और आपकी दिक्कतों का सामना करने के लिए आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं कोई यहाँ पे अतिथि या मुख्य अतिथि या कोई नेता बन के नहीं आऊंगा। मैं यहाँ आऊंगा तो आप सबके बीच आप सबका मुख्य साथी बनने और मुख्य साथी बनकर आपके साथ एक से एक दिक्कतों का सामना करने आऊंगा। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आज जो जो यहां बातें सुने मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा, उनके विचार सुने, उनको यहां पे छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाना है और घर घर जगह जगह जा जाके मोहल्ले मोहल्ले उनकी बातें पहुंचानी है और सबको बता देना है
कि अब किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी पांचवी बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने आ रही है। ये जो भी सुनेगा वो खुद ब खुद डर के कहीं बिल में घुस के बैठ जाएगा या अपने घर में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपका जोश और हौसला देख के हमें ताकत मिलती है, तो मैं चाहूंगा हमारे लिए नहीं, एक बार आप सब लोग जोर से अपने खुद के लिए एक बार ताली बजाएं और इस पूरे प्रदेश को बता दें कि अब इस प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे आज्ञा लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साथियों, अभी आपने बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल मिश्रा जी की बातों को सुना। इसी क्रम में माननीय मिश्रा जी को हमारे दो सम्मानित साथी जो विनय तिवारी हमारे बरहत विधानसभा के हैं, उनके साथ श्री पंडित राहुल शुक्ला जी जो पिपरा रामधार में भगवान परशुराम जी की 21 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं, वो माननीय मिश्रा जी को फरसा देकर सम्मानित करेंगे। भाई राहुल शुक्ला जी, इसी के साथ बरहत विधानसभा के भाई ओम प्रकाश पासवान जी जो वहां के महाराजगंज के जो हमारे प्रभारी हैं भाई ओम प्रकाश पासवान जी, वो माननीय मिश्रा जी को गणेश जी की मूर्ति देकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। महाराजगंज सदर के साथ मित्रों, मैं अब भाई जो मिश्रा जी के हमराज चल रहे हैं, उनके हनुमान पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नकुल दुबे जी को बुलाओ, उसके पहले तमाम हमारे यहाँ मंच पर सम्मानित साथी हैं जिनको संबोधन कराना आवश्यक था। भाई लालचंद निषाद जी जो पूर्व नलसी हैं, पिछड़े समाज को बहन जी ने जोड़ने के लिए लगाया है। भाई सालिम अंसारी जी जो मुस्लिम समाज को, ये पूर्व सांसद हैं, भाई इनको मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए लगाया है। भाई विनय तिवारी जी, जेपी मिश्रा जी, संजय पांडे जी, रमेश त्रिपाठी जी, ओम नारायण पांडे जी, अशोक शुक्ला जी, कमलेश भौजी जी, श्री राम बाबू जी, ये सभी साथी जिनको हम बुलवाना चाहते थे, हृदय मन से उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। समय के कम के नाते आपकी बातें हम नहीं सुनवा पा रहे हैं, संभव हो सके तो संचालन करने की वजह से हमें क्षमा कर देंगे। इसी के साथ मैं आपके उस अच्छे भाई को आपके बीच में लाना चाहता हूं जो बहन जी के शासन काल में 5-5 वरिष्ठ विभागों के कैबिनेट मंत्री थे और लगातार माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ उनके हनुमान बनकर, हमराह बनकर दिन रात उनके साथ चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री नकुल दुबे जी से, वो आवे अपनी बात रखने का कष्ट करें। माननीय श्री नकुल दुबे जी, आज मंगल हो ना, हाँ तो आज बजरंग बली दिन बात है, सब ठीक बात ना, एक बार हो जाए बोलो बजरंग बली की। धन्यवाद। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशी राम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज इस गोरखपुर की धरती पर, जो कि ऐतिहासिक क्षेत्र खजनी है, खजनी में इस विशाल जन सैलाब को देख करके, जैसा मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी ने कहा कि एक बात तो निश्चित हो गई है कि 2022 में एक बार फिर से हाथी इस प्रदेश में ललकारने जा रहा है। अररिया बहन कुमारी महादेव मुख्यमंत्री बनकर के आ रही,
और मुख्यमंत्री ही नहीं बनकर के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गोरखपुर के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके पास भी आज खजनी के माध्यम से संदेशा चला जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश पर बहुत उपकार कर लिया है, अब आपके और उपकार की उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं है। मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, परम सम्मानित सांसद राज्यसभा, परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मंच पर विराजमान हम सबके साथ पूरे के पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से दौरा करने वाले सम्मानित श्री अरुण द्विवेदी जी, मेरे छोटे भाई कपिल मिश्र जी, मंच पर विराजमान तमाम सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, मदन राम जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, हमारे अन्य साथियों सुधीर जी के साथ मौका मिला है, हमारे सम्मानित सालिम अंसारी जी मंच में विराजमान है और ढेर सारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी बन बैठे हुए हैं। सामने की ओर बैठे हुए मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथी और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश चीत्कार करके पुकार रहा है, दुखी है, अफसोस में है और तनावग्रस्त है कि आखिर हम लोगों ने ऐसी कौन सा गलत काम कर दिया था, ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था कि 2017 से 2022 के बीच में हमको ऐसी सरकार देखने को मिल रही है। सबने मन बना रखा है और सबके दिमाग में बैठी हुई है बात कि जल्दी से जल्दी 2022 आए, हम लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाए और एक बार पुनः इस उत्तर प्रदेश में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के सरकार बन सके और सबका भला हो सके। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर खड़े बैठे हैं हमारे नौजवान साथी हैं, आप सब लोग जवाब दीजिएगा, जो यहां बैठा है और पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, मुझको सबसे जवाब चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो नहीं में बोलिएगा, अगर मैं सही हूं तो हां में जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे आपका जवाब चाहिए, आपकी बात मुझे सुननी है मेरे दोस्तों, मुझे बताइएगा जरूर। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, 2017 से 22 के बीच में, 2017 से 21 के बीच में दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है, बताइएगा आप लोग, सब लोग बताइए परेशान है कि नहीं परेशान है, हमारा मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है, हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है, हमारा ये नौजवान जो खड़ा हुआ है दाहिने बाएं तरफ, हमारा बेरोजगार नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है, और सब लोग बता रहे हैं कि वाह वाह राम राज्य चल रहा है। कौन सा राम राज्य है भाई, जिसको जब चाहे तब ठोक दो, जब चाहे तब बेइज्जत कर दो, जब चाहे तब मिटा दो, जब चाहे तब परेशान कर लो, और जो आपकी हां में हां न मिला उसको जेल की सलाखों में भेज दो, यही राम राज्य है। आज हमारे पास प्रजातंत्र में विरोध करने की ताकत को समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों, इस देश को गुलामी की से बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मंच की जिम्मेदारी है, हमारे पंडित सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर जितने लोग खड़े बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है। बोलिए बनती है कि नहीं बनती है जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी बनती है तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारी धरोहरों को, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, चाहे वो आपका LIC हो, चाहे वो आपके बैंक हो, चाहे वो आपकी नगर पालिका हो, चाहे वो आपका जल निगम हो, चाहे वो आपका बिजली बोर्ड हो, अगर सरकारी ताकतें उनको बेचने का इस्तेमाल ले रही है, उनको बेचने का काम कर रही है, तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हमको अपनी धरोहर को बचाना है और इस बेचने वालों को, ऐसे विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हम सबको आज पहुंचाना है। ये जवाब मुझे आप सुनना चाहिए थे, ऐसे ताकतों को जो हमारी धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं उनको प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने का काम करना, ये दायित्व सबका है। हमारे नौजवान रोजगार कहां से पाएंगे बताइए आप, जब रेल बिक जाएगा, जेल बिक जाएगा, बैंक सब बिक जाएंगे, एयरपोर्ट बिक जाएगा, जब सब कुछ बिक ही जाएगा तो बचेगा क्या,
नौजवान हमारा पूरे के पूरे जीवन भर सर नहीं उठा पाएगा और माता पिता के सामने उसको कहना पड़ेगा कि अम्मा हो पापा हो कुछ हमें पैसा दे देते तो अपने घर पर जाने के अपने बिना लड़के हम खर्चा चला ले। क्यों मैं बात कह रहा हूं, आपने सब कुछ अपने विज्ञापन में लगा दिया है। कपिल भाई कह रहे थे 300 करोड़ रुपया महीना, 18,000 करोड़ रुपया साल। अमर बुरा कर जाते नहीं, अमर तो 5 साल बुरा कर जा 90 5 साल में 18,000 करोड़ में कम नहीं हो भाई, अगर सुनना लगा जाओ भुला जाओ बजा 18,000 करोड़ रुपए का वे विज्ञापन में हो रहा है। और हमारे लोग याद होगा आपको, आप तो हजारों हजारों बस खड़ी करते हैं लाइन से, आज फलनवा की रैली है, आज ढिकनवा की रैली है, आज ये लोकार्पण है, आज ये उद्घाटन है, आज ऐसा है, आज वैसा है, बसे लाइन से लगी रहती है सरकारी बसे। और जब हमारे गरीब भाई दिल्ली कलकत्ता बंबई से पैदल चल करके आ रहे थे, रास्ते में पानी भूख प्यास से मर जा रहे थे, भैया ताली नहीं बजाओ भाई साहब, हम ताली वाले थोड़ा कहा था तुरंत चकाने से, जब मर रहे थे तब यह सरकार गूंगी बहरी अंधी बन गई थी, तब इसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। और आज जब अपनी रैली का नंबर आया है तो डीएम साहब फोन करके कमिश्नर साहब फोन करके रुपया कितना चाहिए लगाते रहो। आज कानपुर में कार्यक्रम हो रहा, हमारे शुभम भाई बैठे हुए बता रहे कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए किराए पर लोग बुलाए जा रहे हैं और किराए पर लोग बढ़ते हैं, लेकिन अगर भीड़ देखनी हो तो बहुजन समाज पार्टी की भीड़ देखो, यहाँ पर आपके जनमानस दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों इसी जनमानस के माध्यम से, इसी जनमानस के माध्यम से जिनको दबाया गया है, जिनको कुचला गया है, जिनको दुखी किया गया है, जिनकी जिनको परेशान किया गया है, अब ये सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे भैया, बात धीरे बोलो सजा, बदला लेने में तैयार हो रहे नहीं तैयार हो रहे, सबका जवाब नहीं तैयार हो रहे नहीं तैयार हो रहे। आज आप लोग सावन लेकर के जाइएगा, मैं भी आपको सावन देकर जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव महोदय को बुलाने जा रहा हूँ, उनकी एक एक बात लिए बिना यहाँ से झेलिएगा मत, वो जो कह रहे हैं उनको सुनिए, अपने दिल में रखिए, अपने मन में रखिए, अपनी आत्मा में रखिए और अपने साथ यहाँ से ले जाकर के संपूर्ण गोरखपुर मंडल में ये संदेशा देने का काम करिए कि जब तक ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी और जन विरोधी सरकार को जब तक हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से बात पहुंचा करके आदरणीय बहन कुमारी तारती को पांचवी बार मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए और हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मिश्रा जी संघर्ष करें, मिश्रा जी संघर्ष करें। सम्मानित साथियों, आधुनिक भारत के चालक 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले और आज 6 महीना से लगातार पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जगाने वाले हमारे ब्राह्मण कुलभूषण सांसद राज्यसभा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं, वो अपनी बात रखने की कृपा करें। माननीय मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के रहे मंत्री श्री मदन राम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर श्री सुधीर कुमार भारती, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर श्री सुरेश कुमार गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर श्री विजय कुमार जी, सेक्टर प्रभारी गोरखपुर श्री लालचंद निषाद जी, रामवरण मौर्य जी, कल्पना बाबू जी,
श्री सालिम अंसारी जी जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद हमारे साथ में भी राज्यसभा में बहुत सालों वर्षों तक हमारे साथ में रहे, श्री हाफिज इरशाद जी, श्री खालिद नियाज जी, श्री राम जी, श्री अजय कुमार जी, श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री अमरचंद दुबे जी, जिन बहुत देर से आपके बीच में संचालन भी कर रहे हैं, श्री जितेंद्र कुमार नीरज जी, श्री अशोक शुक्ला जी, श्री राधेश्याम भारती जी, श्री जो हमारे बीच में जिला अध्यक्ष, जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत करके और बहुजन समाज पार्टी को हर जिले में मजबूती देने का काम करती है, श्री घनश्याम राही जी जिला अध्यक्ष गोरखपुर, श्री नारद राव जी जिला अध्यक्ष महाराजगंज, श्री रितेश कुमार जिला अध्यक्ष कुशीनगर, श्री अजय कुमार जिला अध्यक्ष देवरिया, तथा यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए श्री विद्यासागर और छोटे भाई, जो कि आप खजनी में जहाँ आज हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसमें इनके बहुत से समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से इनको हमारी मुखिया ने, बहन मायती जी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। श्री वीरेंद्र पांडे जी जो आपके बीच में मौजूद हैं, श्री ये भी जो है इनको भी हमारी पार्टी की मुखिया ने प्रत्याशी के रूप में चौरी चौरा से आपके बीच में भेजने का काम किया है और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। श्री सुधीर कुमार सिंह जी जो विधानसभा सहजनवा से हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भी हमारी पार्टी की मुखिया बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनको बीच आपके बीच में भेजने का काम किया है। भाइयों, हम लोग आज ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 23 जुलाई से शुरू किया था, चलते चलते आज हम लोग गोरखपुर में दोबारा आए, इसके पहले भी गोरखपुर में आए थे और गोरखपुर में आकर के हमने अपनी जनसभा की थी। जनसभा में हमने बहुत सी बातें कही थी, प्रबुद्ध समाज के लोगों का कार्यक्रम था जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़ करके 90% की संख्या से लगभग ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। और आज भी ये सर्व समाज की बैठक है, इस सर्व समाज की बैठक में हर समाज के साथ साथ में, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग समाज के लोग हों, चाहे हमारी इतने बढ़ चढ़ करके महिलाओं की संख्या आज यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ साथ में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आज फिर से उपस्थित हुए। आप सभी लोगों को ये देख करके यहाँ पर हमारा हौसला, हमारी पार्टी का हौसला और हम सबका हौसला बढ़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज आपके बीच में जो हमने 3 नाम लिए और जिनको की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में बहन मायती जी ने भेजा है, ये लोग पूरी ताकत लगा करके अपनी ताकत तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इनका सहयोग जो आप लोग कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार विधानसभा में हमारे ये 3 प्रत्याशी जरूर जीत करके पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ में इनकी घोषणाएं पहले हो चुकी थी, तो ये हमारे प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ मंच पर मौजूद थे, लेकिन हमारी मुखिया बहन मायती जी ने एक जिम्मेदारी हमको और दी आज के रोज। उन्होंने कहा कि एक घोषणा आपको आज करनी है, अपनी सभा में करनी है। श्री दारा सिंह निषाद जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और श्री दारा सिंह निषाद जी जो हैं, ये गोरखपुर ग्रामीण से, इनको हमारी पार्टी की मुखिया ने अपना आशीर्वाद देकर के आपके बीच में भेजा है और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनको भेजा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गोरखपुर के ये जो लोग हैं यहाँ पर, गोरखपुर मंडल के साथी हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता हैं, वो इन चारों जिनकी घोषणाएं आपके बीच में हो चुकी हैं, इनके साथ साथ में हमारे गोरखपुर मंडल की जो 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में जिसमें 5 सुरक्षित हैं, इनको जिताने का काम अवश्य करेंगे। और ये लिख दिख भी रहा है,
जिस तरीके से यहाँ जन सैलाब आज इकट्ठा हुआ है, ये मीडिया के लोगों को भले ना दिखे, विरोधियों को दिख रहा है। यही मीडिया के लोग उनके पास पहुंचा रहे हैं कि अब होश में आ जाओ, अब वक्त आ गया है, और ऐसा वक्त आया है कि अब फिर 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और जो लोग जिन्होंने पूरे प्रदेश में उत्पात मचा रखा है, भारतीय जनता पार्टी, और जिन्होंने गोरखपुर को भी अंधकार में पहुंचाने का काम किया, सिर्फ एक ही चीज दिखती है जिनको, मुखिया के जवाब। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, गोरखपुर में आप रहते हैं, गोरखपुर के हैं, तो आपको खाली एक चीज नहीं दिखनी चाहिए, खाली एक वर्ग नहीं दिखना चाहिए, एक जाति के कुछ लोग नहीं दिखने चाहिए। आपका धर्म होता है कि जब आप मुखिया के रूप में बैठे हैं, खाली महाराज कहलाने से काम नहीं चलता है, खाली महात्मा कहलाने से काम नहीं चलता है। आप अगर मुखिया बन के बैठे हैं, अगर आप अपनी उस कुर्सी में मुखिया की बैठे हैं, तो उसका धर्म निभाने का काम करिए जो धर्म निभाना चाहिए वहां बैठ करके, जैसे बहन मायावती जी करती है। सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय की बात करती ही नहीं है, करने का अमली जामा भी पहनाने का काम करती है, सबको लेकर के चलने का काम करती है। न कोई दंगा न कोई फसाद, समाजवादी पार्टी की तरह 134 दंगे नहीं, एक भी दंगा फसाद नहीं बहन मायावती जी की सरकार में होता है। कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे महिलाएं हो, चाहे जो पढ़ाने वाले अध्यापक हो, और चाहे विद्यार्थी हो, और चाहे नौजवान जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं वो हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, उनके लिए सब उनके अपने, और अपनों के लिए वो काम करने का काम करती, सर्जन के को लेकर के काम करती, हर धर्म को लेकर के चलने का काम करती। किसी को भी ये मनाही नहीं है कि तुम ये धर्म नहीं मानोगे, तुम इसका काम नहीं करोगे, तुम ये धर्म जा हो रहा है। किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो जाए, और 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को रोको और ठोको की नींद के अंदर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। क्या यही समाज की संरचना हम लोगों ने की थी? क्या यही सोचा था हम लोगों ने कि हम मुखिया बनाकर